एक गरीब परिवार में विशाल नाम का लड़का था, जिसकी उम्र यही कोई 6-7 वर्ष रही होगी। उसके माता पिता दिन भर मेहनत मजूरी करके 2 जून के खाने का इंतजाम करते। बहुत गरीब होने पर भी जैसे तैसे पैसे बचाकर उसे स्कूल भेजते थे। विशाल होनहार बालक था, पढ़ाई में बहुत अच्छा था। उसके साथ ही ज्यादातर अच्छे और खाते पीते परिवार के थे। उनके पास लगभग सभी सुविधाएं थीं। उसके कई दोस्तों के पास साइकिल थी। उन्हें साइकिल चलाते देखकर उसका भी मन होता था कि काश उसके पास भी साइकिल होती, किंतु वो मन महसूस कर रह जाता। कुछ दिनों बाद उसने डरते डरते अपनी माँ से साइकिल दिलाने की बात कही। माँ ने उसे बहला फुसला कर बात टालने की कोशिश की, किंतु बहुत हट करने पर बात पिता तक पहुंची। पिता ने विशाल को बहुत प्यार से समझाया कि बेटे, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम तुझे साइकिल दिला सकें। लेकिन बाल मन कहाँ मानने वाला था। कई दिनों तक वो जिद करता रहा। पिता भी मन ही मन दुखी थे कि वो अपने बच्चे की छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते, लेकिन विवश जो थे। धीरे धीरे बात आई गई हो गई। कुछ महीनों बाद अचानक विशाल बहुत बीमार हो गया। साधारण इलाज से बच्चा ठीक नहीं हुआ, उसकी बीमारी बढ़ती गई। तब पिता ने उसे बड़े डॉक्टर को दिखाया। इन सब के लिए बहुत पैसों की जरूरत थी, सो दोनों पति पत्नी रात दिन खूब मेहनत करने लगे। कई बार तो उन्हें भूखा तक सोना पड़ा। उन्होंने विशाल के इलाज के लिए जितना कुछ कर सकते थे किया। रात दिन ईश्वर से प्रार्थना भी करते। अंततः उनकी दुआ और दवा रंग लाई। बालक धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा और कुछ दिनों बाद पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। ये देखकर माता पिता की जान में जान आई। उनकी खुशी देखते ही बनती थी। विशाल बहुत समझदार तो था ही, माता पिता के प्रति अपार करुणा प्रेम से गदगद भी। अब उसे समझ में आ गया था कि उसके माता पिता के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि उसे साइकिल दिला सकें। मन ही मन उसे अपनी जिद पर पछतावा होने लगा। उसने सोच लिया कि अब वो कभी भी किसी चीज के लिए हट नहीं करेगा। इधर माता पिता के मन में सदैव ये मलाल रहता कि वो अपनी संतान की छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते। आखिर वे धीरे धीरे पैसे जमा करके एक दिन अपनी आंखों के तारे के लिए साइकिल ले ही आए। साइकिल देखकर बालक खुश तो हुआ, साथ ही माता पिता के प्रति अथाह स्नेह से उसका मन भर आया। साइकिल देखकर वो सबसे पहले माता पिता से जाकर लिपट गया। उसकी आंखों में नमी भर आई। पिता ने उसे गोद में लिया और साइकिल पर बिठाकर उसे पैडल मारने को कहा और पीछे से साइकिल को पकड़कर साइकिल चलाना सिखाने लगे। विशाल की आंखों में बाल सुलभ खुशी की, गर्व की चमक देखते ही बनती थी।